मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली कांग्रेस अभी निराशा के दौर से उबरी भी नहीं थी कि झारखंड से उसके राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उनके ठिकानों से भारी नकदी की बरामदगी ने राज्य में कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। राजस्थान के जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि 310 करोड़ से ज्यादा धनराशि अलमारियों में मिली है। इनके झूठे आरोप जनता को पता है। जो पैसे इनके पास जमा है सभी एजेंसियां निकालेंगी, दोषियों को सजा मिलेगी। पूरे देश में जहां कांग्रेस की सरकार रही है वहां इन्होंने लूट मचाई है। 310 करोड़ से ऊपर धनराशि अलमारियों में मिली है। हमारी एजेंसियां भारत की स्वतंत्र है, वो सबकी जांच कर सकती है, मेरी भी कर सकती है, आपकी भी कर सकती है, और इसके प्रमाण है। इनके झूठे आरोप जनता को पता है, इनके तथ्य रखने से कोई फायदा नहीं है। जो पैसा इनकी अलमारियों में जमा है, बिस्तर बेडों में जमा है, सब एजेंसियां समयानुरूप निकालेगी और दोषियों को सजा मिलेगी। पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है वहां पर इन्होंने लूट मचाई है। राजस्थान भी प्रमाण है। 19 बार युवाओं का भविष्य बर्बाद करके अरबों रुपए जमा किए, अपने रिश्तेदारों को RS IAS बनाया और अपने मिलने वालों को जिस प्रकार से लाभ पहुंचाए सबका हिसाब लेंगे और नए कमरे इनके लिए बनाए, उन्हें सब में जमा करेंगे। इनको ये बौखलाहट में कुछ भी बकवास करे वो मानने वाली है क्या? ये कुछ भी बोले हमें उससे फर्क नहीं पड़ता।